यहाँ लीली टिकटे हैं। 3 से 6 का शो है आलिंगन टॉकीज। कैसा लगी है यार हमार सैया लल्लन टॉप। हाँ कॉर्नर की सीट लिए एकदम साइड की, पहुंच जाना। लेकिन अगर तेरी बीवी को पता चल गया तो? अरे बीवी तो मैके गई है ना, तुम्हें पता है। और अगर तेरी मैडम को पता चल गया तो? मैडम को बेवकूफ बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, उन्हें पता चल ही नहीं सकता। लेकिन अगर पता चल गया तो? अरे तो क्या मैं डरता हूँ क्या मैडम से? अरे मैडम मेरा नाम सुनती है ना तो यूं थर 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 कांपती है। और एक बार ऐसा डेंजर लुक दे दूं ना मैडम को तो उनकी सिट्टी पिट्टी घूम हो जाती है। ए लप्पे आइला क्या बात कर रहे है? अरे और क्या, तुमको आइडिया नहीं? एक मिनट, तुम्हारी आवाज कुछ अलग सी क्यों लग रही है? क्योंकि फोन कट चुका है। मैडम आप कब? मैडम भाई, मैडम जो थारा नाम सुन के थर थर कांपे है मैडम, हैं? जो थारे जो है बिल्कुल ही डेंजर लुक से एकदम डर जावे मैडम, बोई मैडम। माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं तो आपका छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा बच्चा हूँ मैडम। बच्चा नहीं कच्चा खाऊंगी तेने आज मैं, वैसे भी ब्रेकफास्ट लाइट करके आई हूँ मैं आज। ऐसा मत कहिए मैडम। मैडम मेरे क्यूट से भोले से चेहरे को देखिए, मेरी प्यारी प्यारी आंखें देखिए मैडम, प्लीज मुझ पे दया कीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। भाई बिल्कुल ऐसा है, एक तो तू बेसिक किसी काम का ना है, ऊपर से हर गली मोहल्ले चौराहे खिड़की में थारी एक गर्लफ्रेंड है जिन्हें तू कभी आलिंगन टाकीज तो कभी डार्लिंग टाकीज तो कभी सैया टाकीज में एक से एक फिल्में दिखावे। तू अपना इस्तीफा जमा कर दे आज। बस मैडम ठीक है, आप मुझ में ही कमियां देखिए मैडम। अरे वो गोपी भी तो है, वो क्या करता है? सिर्फ चमचागिरी करता है मैडम वो। आज देखिए देखिए टाइम देखिए मैडम, कितना लेट हो गया, वो अभी तक चौकी में आया तक नहीं है। मैं कम से कम चौकी में टाइम पर आ तो गया। हाँ, और आके फोन पे बिल्कुल ही सरकारी बिल पे जो है पूरी गर्लफ्रेंडों से लपाड़पंती की बातें। अबे गोपी सिर्फ बातों का लपाड़ी है, लेकिन तू जो है ना, तू एक कैया आदमी है, तू एक नंबर का लपाड़िया आदमी है। तू अपना इस्तीफा दे इससे पहले कि हमारा दिमाग भन्ना जाए। मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए मैडम। अरे मैडम मेरी बीवी तो मैके गई हुई है, उसे पता चला कि मैं नौकरी से निकल गया हूँ तो फिर मैडम वो मुझे दुनिया से निकाल देगी। मैडम प्लीज प्लीज मैडम, अरे मेरी बीवी की शॉपिंग कैसे होगी, मैं क्रेडिट कार्ड्स के बिल कैसे पे करूंगा मैडम, मेरे बच्चे बर्गर पिज्जा पास्ता ये चीजें कैसे खाएंगे? मैडम प्लीज हम पे दया कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। बीवी बच्चों का ख्याल करके मैं तेने माफ कर रही हूँ, पर तू याद रख ले गुलगुले, योर डेज आर नंबर्ड, गिनती के दिन बाकी है थारे इस चौकी में अगर ऐसी चला तो। मैं राउंड मारने जा रही हूँ, कमिश्नर साहब आने वाले, आते ही मन ने फोन करियो। गोपी सिर्फ बातों का लपाड़िया है, मैं सचमुच का लपाड़िया हूं। ये मैडम की चमचागिरी कर करके ना गोपी ने मेरे किले में सेंध लगा दी है। अब इस गोपी को दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। गोपी नहीं नहीं नहीं, अरे एक बार कह दिया नहीं तो नहीं। गुलगुले के लिए ड्यूटी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अरे क्या फिल्म, कभी और देखो फिल्म, मुझे नहीं जाना किसी फिल्म के लिए। अरे हाँ दे दो तलाक, दे दो तलाक, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बस बहुत हो गई बातें, अब फोन रखो बस। सर आप यहाँ कब आए? बस अभी आया। आप किससे बातें कर रहे थे? सर आप बिना एक नंबर के भोले हैं। सर तलाक की बात हो रही थी, आपने सुनी ली, तो बीवी से ही बात कर रहा हूँ ना सर, कोई अड़ोसन या पड़ोसन से तो नहीं। ओहो वाह वाह गुलगुले वाह, मुझे तुम पे नाज है कि तुम ड्यूटी से बढ़कर किसी चीज को नहीं मानते। वैसे ये चौकी खाली क्यों है? बापू अब क्या कहूं सर आपसे, लेकिन सच तो यही है सर कि इस चौकी में ड्यूटी सिर्फ एक इंसान करता है सर, और वो है गुलगुले। बाकी सब मस्त है अपनी जिंदगी में सर, चल रही है सबकी लाइफ, खुश है, ठीक है। अच्छा हुआ कि मैं आज यहां आ गया। हाँ वैसे भी मैं सोच रहा था कि तुम में से और गोपी में से किसी को प्रमोट करूं। वैसे मैं गोपी को प्रमोट कर रहा था। सर क्या कह रहे हैं सर आप, ये क्या कह दिया सर आपने, गोपी? क्यों सर, गोपी कितना लेट है सर, कितना लेट है।
सर आज जब वो ड्यूटी के लिए पहुंचेगा ना सर तो एक्चुअली 3 दिन पहले की ड्यूटी के लिए पहुंचेगा सर. क्या मतलब 3 दिन लेट चल रहा है सर वो. 3 दिन लेट चल रहा है. ओह आई सी. तुम्हारा मतलब है कि 3 दिन लेट चल रहा है सर. परिपन सर मॉर्निंग. ये ड्यूटी पे आने का वक्त है तुम्हारा. और जी रास्ते में जरा स्कूटर खराब. मुझे गुलगुले ने सब बता दिया है. हाँ मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ. गेट आउट. बस बस बहुत हुआ. अबे थारे से मैंने कही थी कि वो जो है कमिश्नर साहब आए तो मन ने फोन कर दियो. अभी अभी जाते देखा मैंने उन्हें. फोन क्यों ना करा तेने मुझे. अरे मैडम वो आए थे लेकिन वो बस 1 मिनट के लिए आए और चले गए. हाँ जी मम्मी जी और उसी 1 मिनट में वो मुझे नौकरी से निकाल के चले गए जी. क्यों. इसकी वजह से जी. पता नहीं इसने क्या पट्टी पढ़ाई कमिश्नर साहब को. उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया जी. अबे के कह दिया तेने. मैडम मैं क्या कहूंगा मैडम. वो आए उन्होंने पूछा कि गोपी कहाँ है. मैंने कहा कि अभी तक आया नहीं है सर. तो वो कहने लगे कि अरे इतना लेट कैसे आ सकता है. गुस्सा हुए और गोपी को नौकरी से निकाल के चले गए. हजार बार कही है भैया अपनी हरकतें सुधार लो दोनों के दोनों. पर ना कतई नहीं. मम्मी जी क्या करता जी. रास्ते में स्कूटर खराब हो गया था जी. उसका कॉर्पोरेटर में कचरा आ गया था जी. मैं सिर्फ 15 मिनट ही लेट हुआ था जी. मुझे नौकरी से निकाल दिया जी. मम्मी जी प्लीज मेरी नौकरी बचा लीजिए मेरी नौकरी वरना मैं मर जाऊंगा. मम्मी जी मैं आत्महत्या कर लूंगा. मम्मी जी प्लीज 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 मुझे बचा लीजिए. मम्मी जी मैं हाथ जोड़ता हूँ जी. मुझे बचा लो जी. बचा लो. नाटक मत कर. रैफ्टा मारूंगी मैं खींच के. करती हूँ मैं बात कमिश्नर साहब से. ओके नहीं! क्या भर गई गोपी की उम्मीदों की टोकरी. क्या बच गई उसकी नौकरी. ओके बाय. हाँ जी जी मम्मी जी प्लीज टोल्ड मी द. गोपी मैंने कमिश्नर साहब को समझाने की घनी कोशिश करी पर मारे लाख समझाने के बावजूद वो ना माने. गोपी क्या. गोपी थारी नौकरी चली गई. गोपी मम्मी जी अपनी मम्मी जी ने माफ कर दे. गोपी ना. एक माँ कभी अपने बेटे से माफी नहीं मांगती. माँ का तो नाम ही माफी होता है. गुलगुले मेरे दोस्त आज तुम खुश तो बहुत होगे. नहीं देख गोपी ऐसी बात नहीं है. इनफ. मेरी नौकरी चली गई है ना तो समझ मैं भी गया. गोपी. क्या हो गया मैडम. आप जैसी हरी भरी लड़की. मेरा मतलब है आप जैसी खुश मिजाज लड़की ऐसी उदास क्यों लग रही है. बोल. What is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट problem is the. लेकिन मैडम मैं. बोल. What is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट problem is the. ये बोल. Carry on. अरे मैडम लेकिन ये सारी चीजें तो गोपी बोलता था ना. था. गोपी है से था हो गया. जब वो इस चौकी में था तो
मारी गालियां खाता था, डांट खाता था। आज वो इस चौकी में ना है, मन ने उसकी घनी याद आ रही है। गोपी को मिस तो मैं भी कर रहा हूँ। हाँ हाँ, गोपी को मिस कर रहा हूँ मैं। अबे चुगल चोट्टे, अरे चुगली की वजह से गोपी की नौकरी गई है। मिस कर रहा हूँ मैं गोपी को, बड़ा मिस कर रहा हूँ। आया बड़ा। आपके लिए लेटर। मैडम मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैडम, ये आपको लव लेटर दे रहा है। अरे किसने कहा था ऐसे, ये लव लेटर है? मैडम जब एक जवान लड़का एक जवान लड़की को लेटर देता है ना, तो वो लव लेटर ही होता है, इतना मुझे पता है। भाई साहब मैं जल्दी भेजो कोरियर्स का कोरियर बॉय हूँ, इसलिए ये लेटर लाया था आप लोगों के लिए। बात कर, पता है पता है, चलो आया बड़ा, मैं देखता हूँ मैडम। अरे ये नहीं 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 नहीं, मैं कातिल हूँ, मैं कातिल हूँ, मैं कातिल सिंह का है, कातिल सिंह का है, हमें छुपाओ, मतलब हमें बताओ कहाँ है वो कातिल सिंह। अरे सर कातिल सिंह कहाँ से आएगा यहाँ? ये क्यों चिल्ला रहा है, चीख रहा है कातिल कातिल कातिल? नहीं वो अगर आप लोग भी ये लेटर का मैटर पढ़ेंगे तो आप लोग भी चीख पड़ेंगे। पढ़ जल्दी पढ़। डियर मम्मी जी, मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरी नौकरी बचा लेंगी, लेकिन आप भी हो गई फेल, इसलिए खत्म कर रहा हूं जिंदगी का खेल, अब से नो कैरी ऑन, क्योंकि जब तक आपको ये लेटर मिलेगा मैं ये दुनिया छोड़ चुका हूंगा, मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहा हूं। टेस्टी फिश फ्राइड इज द गोपी डूज सुसाइड इज द कैरी ऑन। यो क्या कर लिया गोपी ने? मैडम आप अभी भी समझी नहीं, उसने सुसाइड कर लिया है। थारी वजह से, थारी वजह से गोपी आज इस दुनिया में ना रहा। चौटाला जाने दीजिए, अब जाने वाले वापस तो नहीं आते, सिर्फ उनका कोरियर आता है, उसका तो कोरियर भी नहीं आएगा ना, काफी दूर निकल गया है वो। वैसे मिशोटाला वो एक दो साल का मेहमान था, कल जाना था आज निकल लिया। व्हाट इज देयर, क्या बोलते व्हाट इज देयर ना है? तू गुलगुले, तेने मैं सारी जिंदगी माफ ना करूंगी। मैं गोपी की आत्मा की शांति के लिए हवन कराने जा रही हूँ। चौकी संभालो और आज रात की ड्यूटी कर तू, और सर आप भी, क्योंकि गोपी तो रहा नहीं ना इस दुनिया में। मैडम लेकिन सुनिए, बड़ी थकान हो रही है यार, थोड़ा सो ले। कैरी ऑन। कौन है कौन है? वेल ब्रो कौन है? नहीं यार इसे कैसे सपने भी आते हैं आज कहीं से। ओ या गोपी, गोपी 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 कौन है? कैरी ऑन। गोपी वेल ब्रो, वेल व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट पालम इज द तेरी वजह से मैंने कर लिया अपनी जिंदगी का खात्मा, जब तक तुझे नहीं मारूंगा तब तक भटकती रहेगी मेरी आत्मा। गोपी प्लीज प्लीज गोपी, मुझे माफ कर दे। सॉरी गोपी, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे गोपी, माफ कर दे। माफ नहीं,
मैं तुझे साफ करूंगा। गोपी नहीं, 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 नहीं। कौन है हमारी चौकी में इतना आवाज कर रहा है बे? कौन है? अबे कौन है बे? सामने आओ। हैं? डरा रहा है हमको? कौन है? हैं? सर, सर मैं हूँ सर, सर सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, यहाँ पर गोपी का भूत है सर, मैंने अपनी आंखों से देखा सर, गोपी का भूत यहाँ भटक रहा है। तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन भूतों से वैसे ही बहुत डरते, मतलब नहीं डरते हम भूतों से, लेकिन डरो मत, डरो मत, हमें डराने की जरूरत नहीं है। अरे डरा नहीं रहा हूँ सर, गोपी का भूत, आई एम टेलिंग यू सर, ही समवेयर अराउंड। गोपी तो था ही एक दो साल का मेहमान, कल की जगह आज निकल लिया। ये डायलॉग हमने मिस्टर चौटाला से कहा था, कौन रिपीट कर रहा है? मैं गोपी का भूत रिपीट कर रहा है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। तो कुछ नहीं होता, होता है सर। बदला। आई वॉन्ट रेवेन्यू सर, आई थिंक रिवेंज कह रहा है सर। या दिस वन। गोपी मर के भूत बन गया है सर, भूत। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? सर आपने उसे नौकरी से निकाल दिया ना, उसने अपनी जान ले ली। जान ले ली? मरने के बाद भूत बन गया और हमारा पीछा कर रहा है सर। सब बकवास बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। कैरी ऑन। कमिश्नर साहब, इस गुलगुले ने मेरी चुगली की थी ना, और आप इसकी बातों में आ गए थे, और बिना सच जाने आपने मुझे नौकरी से निकाला था। अब मैं तीनों को इस दुनिया से निकालूंगा। गोपी मुझे माफ कर दे यार। गोपी तेरे नौकरी से निकल जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, और मुझे इस बात का भी एहसास हुआ गोपी कि तू मेरे लिए क्या है यार। गोपी प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी गोपी, मुझे माफ कर दे यार, मुझे माफ कर दे। माफ कर दे इन्हें गोपी। मैडम आप? मैडम ये भूत है गोपी, भूत। ज्यादा चौंकने की जरूरत ना है। अरे वो कोई मरावरा ना है, नाटक बंद कर। अरे यो घनी मोटी चमड़ी है गुलगुले, यो सब हमने एक नाटक करा था तेने यो रियलाइज कराने के लिए कि कई बार चुगली जो है घनी खतरनाक हो सके। और इस पूरे कांड में सर जी और कमिश्नर साहब सब मारे संग मिले हुए हैं। क्यों आप और कमिश्नर साहब? आप भी? हम सब भी। ये असली का नहीं हुआ, लेकिन ये सचमुच हो सकता था, इसलिए अगली बार से चुगली बंद। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं आप सबसे वादा करता हूँ, चुगली बंद, नो चुगली। और गोपी मेरे दोस्त, हो सके तो तू भी मुझे माफ कर दे यार। वेल ब्रो, कम ऑन, ह्यूज मी। ओ हाँ, समझ गया समझ गया। हाँ हाँ। छोड़ मम्मी जी, यू आर एक्सीडेंट। एक्सीलेंट। या दिस वन। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।